तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदर्श एग्रो फार्म गोरखपुर में। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आज से फिर हम आए हैं सहजनवा मगर चांदबारी गांव। ये देखिए, ये हम लोगों का फार्म है। आप ये देख सकते हैं आदर्श एग्रो फार्म के जो आपको चिक्स मिलते हैं उसी के पेरेंट्स हैं। ऐसे आप पेरेंट्स देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के ये जो पेरेंट्स हैं। और दोस्तों आज मौसम देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, आंधी का मौसम हो रहा है। और ये देखिए सोनाली मुर्गी के पेरेंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये लाइन से एक करेट लगा हुआ है, ये देखिए अंडे के लिए, इसमें अंडे दिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जहाँ जहाँ जगह जगह अंडा दिए हैं। सुबह शाम दोस्तों दो टाइम इसका अंडा उठा लिया जाता है, अभी तो फिलहाल अंडा उठा लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो ये दिए हैं थोड़ा बहुत अंडा, अभी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस समय दोस्तों जैसे थोड़ा गर्मी का सीज़न चल रहा है, लू ज़्यादा चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए जिधर से अगर धूप आए, अगर इधर से इस साइड से अगर धूप आ रही है तो आप इधर से पर्दा गिरा दीजिए, बाकी साइड का पर्दा खोल दीजिए। अभी तो फिलहाल बहुत तेज़ हवा है, धूप है नहीं, तो देखिए चारों ओर का पर्दा खुला हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी हवा आ रही है इसमें, क्योंकि अभी ये आंधी चल रहा है, इतनी तेज़ हवा बह रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर अंडे दिए हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए फार्म, ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ मुर्गी अंडे के पर्पस से रखी गई हैं। अब ये देख सकते हैं इसमें दोस्तों जो मुर्गा है, इसमें दूसरे फार्म में भी है, उस साइड जो फार्म है उसमें मुर्गा है, क्योंकि हर जो ये 6 महीने में मुर्गा जो होता है इसमें से चेंज कर दिया जाता है, इससे दोस्तों अंडे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। और आगे आपको दिखाते हैं, और जो दूसरे फार्म में देखिए दोस्तों, और इसको दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए दोस्तों, ये पेरेंट्स हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये फार्म ऐसे तो बहुत पुराना है, ये फार्म जो है बहुत पुराना है, अभी नया फार्म, अभी बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है, नया फार्म बनने वाला है। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखो इधर भी पेरेंट्स है, ये देखिए दोस्तों इधर पेरेंट्स, तो इधर भी पेरेंट्स है अंडे के पर्पज़ से, ये देखिए अंडा। ये दोस्तों बहुत पुराना फार्म है, जो अभी इसी में आगे एक नया और फार्म बनने वाला है, जो 4-5 हज़ार मुर्गियों का फार्म बनेगा अभी फिलहाल। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मुर्गियों की, इसमें दोस्तों कुछ ये देखिए बत्तख डाले हुए हैं, ये देखिए दोस्तों बत्तख, ये दोस्तों बत्तख है, जो एक बार बत्तख निकला था उसमें 10-20 बत्तख लाए थे बच्चा, जो कि इसमें डाल दिए, देखिए उसके साथ साथ देखिए बड़े हो गए हैं, जो कि बत्तख भी इस समय अंडे दे रहे हैं फिलहाल। ये देख सकते हैं दोस्तों मुर्गा मुर्गी, देखिए दोस्तों जब ये चिल्लाने लगते हैं तो थोड़ा ये मुर्गा मुर्गी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब एक बार डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर ये अंडा तो जो होता है वो थोड़ा कम देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी ये भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इसके जो अंडे जो देते हैं इसकी क्षमता, कल जो अंडे देंगे उसमें थोड़ी कम हो जाएगी अंडे की क्षमता। और ये देखिए दोस्तों, अंडे का साइज देख सकते हैं, जो ये हैच पे लगता है, ये देखिए दोस्तों, ये होता है 45 से ऊपर ग्राम का अंडा होता है, 45-50 ग्राम का अंडा जो होता है वो हैच पे लगता है। और जो नए जो उधर पेरेंट्स डाले हैं, जो उस साइड जो है थोड़े छोटे हैं, ये ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो इसके ये तो ओल्ड पेरेंट्स हैं, इसके बड़े ये देखिए 45 से 50 ग्राम के अंडे होते हैं इसके तो फिलहाल। और दोस्तों ये 42-43 ग्राम से ऊपर अंडे हैच पे लगते हैं, जो छोटे मोटे अंडे होते हैं वो हैच पे नहीं लगाया जाता है, वो दोस्तों खाने में चला जाता है, अगर दुकान वकान पे या खाने के पर्पज़ से चला जाता है, वो लगता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर इसके अगर आपको बच्चे चाहिए गोरखपुर से, आपको बुक कराइएगा तो आपको इसके पेरेंट्स के बच्चे हैं आदर्श एग्रो फार्म के, वो मिल जाएगा गोरखपुर से, आपको मिल जाएगा आसानी से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।